स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसी फंडामेंटल्स का एक और सब टॉपिक पढ़ेंगे। वो है फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, फॉर्म फैक्टर जो होता है। तो हम उसके बारे में जानेंगे कि ये क्या होता है। ठीक है, तो फॉर्म फैक्टर जो होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। मान लीजिए हम फॉर्म फैक्टर को KF से शो करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? इट इज़ RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो KF की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि हमारी जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है वो साइनोसॉइडल है, जैसे कि होती ही है हमारी, है ना। तो हम यदि साइनोसॉइडल वेव के लिए निकालते हैं, तो जो RMS वैल्यू रहती है हमारी, वो RMS वैल्यू कितनी रहती है, वो हम मान लीजिए कि हम वोल्टेज के लिए निकाल रहे हैं। सपोज वी आर कैलकुलेटिंग फॉर वोल्टेज। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि RMS वैल्यू जो होती है वो होती है EM अपॉन रूट टू। हम जानते हैं RMS इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू होती है। और एवरेज वैल्यू जो होती है वो रहती है हमारी 2 EM डिवाइडेड बाय पाई। ठीक, ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले क्लास में अपन लोगों ने डिराइव करके देख लिए हैं कि RMS वैल्यू की ये फार्मूला होता है, और एवरेज वैल्यू का ये फार्मूला होता है फॉर साइनोसॉइडल वेव। ठीक है, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? EM अपॉन रूट टू जो होता है वो 0.707 EM होता है, और 2 EM बाई पाई जो निकलता है वो हमारा निकलता है 0.637। ठीक है, यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगा तो जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.11। तो ये होता है हमारा फॉर साइन वेव फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो होती है साइनोसॉइडल वेव के लिए, वो निकल रही है 1.11, और ये होती है कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब हम लोग यदि निकालते हैं पीक फैक्टर। ठीक है, पीक फैक्टर एक और फैक्टर होता है, जैसे फॉर्म फैक्टर होता है वैसे ही एक साइनोसॉइडल वे में इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है पीक फैक्टर, जिसको हम लोग क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। और ये क्या होता है? ये होता है रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, जो कि एम्पलीट्यूड होता है हमारे साइन एसी में, रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू RMS वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो यदि मैं इसी को KP से शो करता हूँ पीक फैक्टर के कारण, तो KP का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा, फिर से मैं क्या निकाल रहा हूँ? फॉर वोल्टेज कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो हो जाएगा VM, मैक्सिमम वैल्यू को हम VM से शो करते हैं, डिवाइडेड बाय RMS वैल्यू। तो RMS वैल्यू का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, डिराइव किया था, तो VM बाय रूट टू होता है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू अपॉन रूट टू होता है, वो होता है KP। ये किसके लिए है फॉर्मूले? दीज आर फॉर साइन वेव ओनली। ठीक है, ये सिर्फ साइन वेव के लिए होते हैं। तो ये कितना आ जाएगा? यदि VM कैंसिल हो जाएगा, रूट टू ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट टू। तो KP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा पीक फैक्टर है, आ जाएगा 1.414। तो ये होती है हमारी पीक फैक्टर की वैल्यू, जिसको अपन क्रेस्ट फैक्टर भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर एसी सर्किट के। एक होता है फॉर्म फैक्टर, जिसकी वैल्यू साइन वेव के लिए आती है 1.11, और दूसरा होता है पीक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर, जिसकी वैल्यू साइन वेव के लिए आती है, चाहे वोल्टेज के लिए निकालें चाहे करंट के लिए निकालें। हमने एग्जाम्पल वोल्टेज का लिया था, लेकिन करंट के लिए भी सेम होगा। वो होता है √2 या फिर 1.414। ठीक है, तो होप आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ है। थैंक यू। ओके।